नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि किस तरह के लोग हमेशा खुश रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को सही ढंग से जीने का रास्ता बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मनुष्य जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को अपने जीवन में अपनाने से मनुष्य को खूब तरक्की मिलती है। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि दुनिया में किस तरह के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि आखिर किन लोगों को भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा सुखी बताया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वो लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। यह उम्मीद ही व्यक्ति के दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, अगर वो विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि उसका प्रयास सही दिशा में है, तभी उसे सफलता मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीत के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचारों में है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध के समय हर व्यक्ति को खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और गलती के समय थोड़ा झुक जाना चाहिए। यह तरीके अपनाने से दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। क्रोध और अहंकार, ये दोनों चीजें मनुष्य का विनाश कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। इसलिए कष्ट मिलने पर कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।